फ्रेंड्स, अगर रोज रोज वही सब्जी खाकर आप बोर हो गए हैं और कुछ नया चटपटा खाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि न्यूट्रेला की कोफ्ता करी किस तरह से बनाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम ढाबे या रेस्टोरेंट जैसी सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर न्यूट्रेला चंक्स को भिगो के रखा था, तो एक दो घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाए ये। अब इसे हम पानी में से निचोड़ कर अलग कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ पानी है दोस्तों, इसे फेंकिएगा नहीं, आप इसे अपने गमलों के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है ये। तो इसे साइड रखते हैं और अब हम इन सोया चंक्स को ग्राइंड करेंगे। तो मैं दो भागों में इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। आधे चंक्स मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल लिए हैं और इसे हमें दरदरा यानी कि कोर्सली पीसना है। ये देखिए कुछ इस तरह से लच्छेदार पीसा है मैंने इसे। एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और दूसरे भाग को पीसने से पहले हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। तो एक छोटी प्याज काट कर डाल रही हूँ मैं, काफी सारा फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रही हूँ, अदरक का टुकड़ा और लहसुन भी डालेंगे हम। और फिर इसके ऊपर हम बचे हुए सोया चंक्स डालकर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और इसे पीसते वक्त मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, सोया चंक्स में जितना मॉइस्चर है उससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो इसे भी हम बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सूखे मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक मिला लेंगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, और ऊपर से इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसन हमें तब तक मिलाना है जब तक ये जो कोफ्ते हैं उसमें बाइंडिंग ना आ जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। और ये देखिए अब मैं इसे मुट्ठी में बांध रही हूँ, तो ये आसानी से बन रहा है। तो बस इतना ही रखेंगे हम ताकि ये फ्राई करते वक्त तेल में खुले ना। तो ये हमारा कोफ्ते का मिक्स रेडी है। अब हम इसके रोल करते हुए कोफ्ते बना लेंगे। तो मैं सिलेंड्रिकल आकार के कोफ्ते बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। और यहाँ पर सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो बस गरम तेल में मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ से सिक गए हैं ये, तो इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और अब ये जो कोफ्ते हैं बढ़िया गोल्डन सिक गए हैं, तो इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कोफ्ते हैं ये ऐसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं। आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। तो ग्रेवी के लिए मैं कुछ चीजों को पीस कर डालने वाली हूँ। तो 5-6 कली लहसुन के लिए मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर और 1 प्याज लिए। बस इन सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए सारी चीजों को पीस लिया है मैंने। अभी जो बचा हुआ तेल था इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। अगर आपको तेल की क्वांटिटी ज्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं दोस्तों। और तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तब मैं इसमें ये सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ। इन सूखे मसालों को थोड़ा सा तेल में भूनने के बाद अब मैं इसमें ये पेस्ट डाल रही हूँ। तो जो हमने टमाटर वगैरह का पेस्ट रेडी किया था बस इसे मिला लीजिए। कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे भूनने देते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, तेल ऊपर आ चुका है, मतलब कि जो मसाला है वो बढ़िया भून चुका है। तो आपको भी इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है, मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें मिला रही हूँ गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर और भूनेंगे हम इसे। और अब देखिए फ्रेंड्स, मसाले का टेक्सचर और कलर देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया भून चुका है। तो इसमें अब हम पानी मिलाएंगे। अभी आपको ग्रेवी जो है बहुत पतली लग रही होगी दोस्तों, लेकिन जब हम इसमें कोफ्ते मिलाएंगे तो ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगे कोफ्ते, तो पानी हम थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे। बस कोफ्ते मिला लीजिए और एक उबाल आने तक अब हम इन्हें पका लेंगे। हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ और इस तरह से कवर कर इसे 2 मिनट के लिए दम पर पका लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी में बढ़िया उबाल आ चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है, तो सब्जी बनकर लगभग तैयार हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके इसी तरह से छोड़ देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार कोफ्ता करी, जिसे हमने सोया चंक से बनाया है। आप भी ट्राई करके देखिए, फुलके चपाती के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को भी विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।